दिल्ली वालों पर प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। लोगों को प्रदूषण से आज भी राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली के तमाम इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंचा हुआ है और इस वक्त हम दिल्ली के लोधी रोड इलाके में हैं और यहां पर लगा पोल्यूशन का मीटर भी बता रहा है कि दिल्ली में इस वक्त जो हवा है उसमें काफ़ी मात्रा में जहर घुला हुआ है। अगर बात करें लोधी रोड की तो लोधी रोड में भी जो PM 2.5 है और PM 10 है दोनों का स्तर तय मानकों से बेहद ज़्यादा है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि आज विजिबिलिटी जो है वो बाकी दिनों के मुकाबले में अच्छी है। जो स्मोक एक दिल्ली की हवा में होता था वो स्मोक आज दिल्ली की हवा में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की हवा जो है वो साफ़ सुथरी है, उसमें प्रदूषण का जहर नहीं है। दिल्ली की आबो हवा में प्रदूषण का जहर लगातार बरकरार है और ये जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आज भी दिल्ली की हवा में सांस लेना आपकी सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है और ये हवा आपको ज़िंदगी के साथ साथ बीमारी भी साथ में दे रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि PM 2.5 इस वक्त 256 तक पहुँच गया है और जो PM 10 का स्तर है वो 241 को छू चुका है। यानी इस वक्त जो दिल्ली की हवा है वो खराब श्रेणी में है। हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सफ़र ऐप के जरिए भी आपको इस वक्त दिल्ली के प्रदूषण का हाल बताने की कोशिश करेंगे। आप ये दिल्ली के तमाम इलाकों में देख सकते हैं कि वहाँ इस वक्त हवा का क्या स्तर है। सब जगह आपको सिर्फ लाल कलर के बॉक्स नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में कोई ऐसा इलाका या कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पर हवा की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। सब जगह पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जगह पर प्रदूषण का स्तर जो है वो 300 के पार पहुंचा हुआ है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण ने 400 के आंकड़े को भी पार कर दिया है। इस ये हालत साफ तौर से एक आपातकाल का संकेत दे रहे हैं। सरकार हालांकि लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदूषण को काबू किया जाए लेकिन कोशिश से ज़्यादा प्रदूषण पर राजनीति हो रही है। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने यह कहा है कि कल के बाद प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि कल दिल्ली में मौसम बदल सकता है। हवाओं की जो रफ्तार है उसमें तेज़ी आ सकती है जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल के बाद दिल्ली की हवा थोड़ी साफ हो सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।